Good evening, and welcome to show Third Opinion with Mr. Bashani. I'm your host, Jasleen. Ms. Bashani, I do have a couple of topics that we'd like to discuss for our viewers. So the first topic is going to be about the British royal visit to Pakistan, Kate Middleton. She had recently visited, so I would like you to discuss this a little bit for our viewers. Then we'll go into a grey list. We will discuss the Prime Minister of Pakistan visit to Iran and Saudi Arabia. And then we will end this discussion with the march that's happening on 21st of October in the capital city of Azad, Kashmir. So if we can please start with the Kate Middleton's visit to Pakistan and what was all that about? Yeah, Kate ke dore ka dekhe to ye thoda sa funny sa lagta hai ki hum is pe kyun discuss kar rahe hain. Thank you very much, Jazlin. लेकिन ये मैं इसको जिस प्रोस्पेक्टिव में रख के देख रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक. वो ये है कि वो जो उसने विज़िट की खातून ने जी, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वहाँ पे शलवार कमीज, उसकी वजह से जो है वो बड़ा वहाँ पे एक शोर शराबा वाह वाह है. और बड़े बड़े जो हैं उलमाए कराम और बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े जो इस्लामिक फंडामेंटल लिस्ट तक जो हैं जी, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखें कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी तमीज़ से कपड़े पहन के आई है. तो इससे मुझे दो बातें जो है ना करनी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एक ये है कि ये जो बात है इसमें बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक चैलेंज और सबक है. अभी आप ये देखें कि फ्यू डेज अगो इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन में गए थे तो उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी. वाइट हाउस में गए थे तो शलवार कमीज़ पहनी हुई थी. और जहाँ भी जाते हैं शलवार कमीज़ पहनते हैं, जो कि एक नया उनका न्यू नेशनलिज्म का एक एक्सप्रेशन है. ओके. ठीक है. हाँ जी. तो उसको हम जो है वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काबले फ़ख्र और काबले इज़्ज़त कारनामा है जी. ठीक है. लेकिन लोग अगर हमारे मुल्क में आए हैं जो सेलिब्रिटी हैं और वो अपने हज़ारों साल पुराने जो उनके रस्म रवाज हैं सब कुछ उसको एक तरफ फेंक के तो हमारे रस्म रवाज को गले लगाएं या उसकी इज़्ज़त करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, ये हम भूल जाते हैं. अब आप, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि देखें हमारी ख्वातीन जो हैं अब इनका, बल्कि हुक्मरानों की बीवियाँ तक भी अब उन्होंने जो है ना वो पहनने शुरू कर दिए हैं तरह तरह के कास्ट्यूम, सर डांपने के और फेस डांपने के. हाँ जी. और वो जाके लंदन में या पेरिस में या न्यूयॉर्क में या इतनी फैशनेबल सिटीज़ में वो पहन के तो और ज़्यादा दिखावे के तौर पे और ऊंचा हो के चलती हैं ताकि लोग हमें देखें कि हमने क्या पहना हुआ है. तो क्या ये काबिल तारीफ बात ना हो कि जब वो वेस्ट में जाएं, पहली बात है जाएं ना, लेकिन अगर जाना ज़रूरी है बिकॉज दे डोंट लाइक इट, दे थिंक ये कुफर और शिर्क का गढ़ है, नहीं जाते, लेकिन जाना पड़े तो क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो मगरब के लोगों का जो जो लिबास है, उनका जो अंदाज़ व अतवार है, उसकी भी इसी तरह इज़्ज़त करें जी. जिसका दूसरा मतलब ये है कि वहाँ जाके तो उनकी मरावत या एहतराम में तो वो कम अज़ कम थोड़ा जो है वो कर सकते हैं. इसके बजाय इन लोगों ने यहाँ आके तो इसको एक लड़ाई का ज़रिया बना दिया कि नहीं जी हमने ये करना है, इवन के चेहरा छुपा के तस्वीर खिंचवानी है. हालांकि वो तस्वीर कौन सी है जिसमें आपके चेहरे पे ही पर्दा पड़ा हुआ है. हाँ जी. तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि केट ने कोई तीर मारा है तो फिर आप उसको ज़रा ऐसे ही सोचें जी. और ये मैं इसकी मिसाल एक दूंगा कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव प्लेस. तो अगर मगरब से कोई खातून वहाँ जाए, वह वो केट हो या कोई और हो, और वहाँ जाके वो इंसिस्ट करे कि मैं स्कर्ट पहन के घूमूंगी चूँकि ये मेरा कल्चर है और मुझे इस पर फ़ख्र है, वट विल हैपन? A lot. That is the question which I leave with the people जी. On this note. इसी के साथ दूसरी बात मैं ये कहना चाहता कि ये देखें ये जो रॉयल लोग हैं इनका अब इनके पैसे जो हैं, इनके खर्चे जो हैं टू सम एक्सटेंट टैक्स पेयर से भी आते हैं जी. तो ब्रिटिश टैक्स पेयर को इस पर कोई बड़ा एतराज़ नहीं है कि हमारे रॉयल ये क्या दौरे करते रहते हैं. जिस वक्त देखो कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है. तो जिस तरह एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी ने, नॉट जस्ट ब्रिटिश बल्कि बेल्जियम, दूसरी कहीं स्वीडन ने, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ने, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अपने रॉयल को अकोमोडेट किया, अगर हम भी कश्मीर में कर लेते तो उस वक्त महाराजा हरी सिंह को ये कहने के लिए कि कश्मीर छोड़ दो ये कहने के बजाय अगर हम उसको भी एक रॉयल सा बना के थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट कर लेते तो मैं समझता हूँ कि आज ये हालत ना होती जो बर्र सगीर में हो रही है. ये दो चीज़ें थी. तो अब हम बढ़ते हैं आगे जी. तो जो मेन टॉपिक है आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है ग्रे लिस्ट का. ऑल्दो के ग्रे लिस्ट का जो इशू है
दैट इज़ ऑलमोस्ट अनडिसाइडेड, चूँकि अभी ये डिस्कस हुआ है. जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इदारा है जो कि एक वॉच डॉग है, जो मुल्कों और कामों के बारे में ये देखता है कि वहाँ पे फाइनेंशियल लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग है या करप्शन है या इस तरह की जो चीज़ें हैं या टेररिज्म फाइनेंसिंग है, उसके बारे में कोई मुल्क क्या जो है वो पॉलिसी रखता है. तो इस हवाले से पाकिस्तान को लास्ट जून में उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था. Okay. और उसको कोई 40 डिमांड्स दी थी कि आप ये इकदामात करें अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अगेंस्ट टेरर फंडिंग, अदरवाइज हम आपको ग्रे लिस्ट से उठा के तो डार्क लिस्ट में डाल देंगे. सो डार्क लिस्ट इज़ अ वे टू द ब्लैक लिस्ट वेयर यू गेट आउट ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आई मीन फैसिलिटीज़. और आप ईरान और कोरिया की तरह जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े इदारे हैं, मुल्क हैं, दे डोंट डू द बिजनेस विद यू और दे डोंट लैंड मनी टू यू. सो इज़ ए टेरिबल थिंग फॉर एनी कंट्री हु इज़ सर्वाइविंग मोस्ट ऑफ इस टाइम इस पे जो है ना लोन पे या लैंडिंग पे. तो इस हवाले से ये ग्रे लिस्ट के हवाले से इजलास हो रहा है जो कल वहाँ पे कंक्लूड होगा और मोस्ट प्रोबेबली 18 अक्टूबर को वो डिसीजन करेंगे के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, डार्क लिस्ट में डाला जाए, या इसको फिर रिवर्स किया जाए या इसी पे रहने दिया जाए. रिवर्स करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसी पे रहने दिया जाए या डार्क लिस्ट में डालना, ये दोनों जो हैं ये बड़े टेरिबल किस्म के ऑप्शन हैं. अब आज जो रिपोर्ट आई है उसमें जो वहाँ पे डिस्कशन हुई, वहाँ से लगता है कि 40 में से कोई 24 मैटर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने एज़ इट इज़ रिज़ाल्व कर दिए हैं. कोई 10 ऐसे हैं जो आधे रिज़ाल्व किए हैं और बाकी कोई 5 हैं जो बिल्कुल ही नहीं किए. तो देयर इज़ स्टिल ए डिस्कशन. लेकिन इस वक्त जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके अंदर चीन, तुर्की, सऊदी अरबिया और इस तरह के मुल्क बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, इफ़ नॉट एनीवेयर एल्स, लाइक नॉट ऑन कश्मीर इशू और समथिंग, बट एट लीस्ट ये जो फाइनेंशियल नाइटमेयर का पाकिस्तान को सामना है, दे आर रियली हेल्पिंग इट आउट ऑफ दैट. तो इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस नज़र नहीं आते कि ये मसला जो है वो कोई ख़राब हो जाएगा, चूँकि इन लोगों की मौजूदगी में इसको किसी न किसी तरीके से अगर मुकम्मल बेल आउट नहीं किया जाता तो मुमकिन है इसी लिस्ट में जो ग्रे लिस्ट है उसमें इसको जो है वो रखा जाए. लेकिन इस पर बात ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये दिन इनको देखना क्यों पड़ा. जैसा कि इसी टेबल पर या इन्हीं टेबलों पर गुज़श्ता 10-15 साल से हम मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैस क्रिएट की हुई है ख़ुद पाकिस्तान ने, वो मैस साफ़ करना ख़ुद पाकिस्तान के अपने मफाद में है. ये कोई इंटरनेशनल बरादरी के मफाद में नहीं या किसी और दूसरे चौथे मुल्क को इसका कोई फ़ायदा नहीं. इनडायरेक्टली बाद में फ़ायदा हो तो हो, लेकिन जो डायरेक्टली फ़ायदा है, अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो टेररिस्ट घूम रहे हों, वो क्लिंटन की ज़बान में बैकयार्ड में सांप घूम रहे हों आपके, तो वो सिर्फ आपके नेबरों को नहीं काटते. तो ये हम कितने मुद्दत से ये कहते आ रहे हैं कि ये लश्कर तैयबा जो है या जैश मोहम्मद जो है या ये आफज साहब हो गए या सलाहुद्दीन साहब हो गए या इस तरह के लोग हो गए जिसको इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान शुड रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आर डूइंग थिंग्स लाइक दिस. लेकिन अभी कल परसों वहाँ एक बहुत बड़े एक जलसा है जिससे ये सलाहुद्दीन जो है, जो कि एक बैन आदमी है, कश्मीर हिज़्बुल मुजाहिदीन से उसका तल्लक है, उसने वहाँ पर टेलीफोनिक ख़ताब किया और लोगों को जहाद की अहमियत और इस तरह की चीज़ों पर जो है उसने अपने ख्यालात से उनको आगाह किया. अब एक तरफ पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जिस दिन बैठा हुआ है और ग्रिल हो रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर टेरर फाइनेंसिंग, और वहाँ पे सफाइयाँ दे रहा है कि हमने सारे टेरर जो जिन लोगों पे इल्ज़ाम हैं उनको बंद किया हुआ है या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ उनमें से एक मोस्ट नोटेबल जो टेररिस्ट है वो सामने ख़ताब कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड एक सेकंड नेचर बन गई है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स की और खुसूसन जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी जी. तो अब वो इस अपनी इस आदत को छोड़ ही नहीं सकते, जो कहते हैं ना आदत से मजबूर. सो दे कैन नॉट, सो दे नीड ए रियली ओवरऑलिंग जो है ना एक ख़ास किस्म की, उसको ऊपर से नीचे तक जो है जब तक उसको बदलेंगे नहीं. अब देखें कि ये काम कोई कैसे कर सकता है,
कि यू आर एट ए रिस्क राइट नो इन ए फोरम, जो कि एक वाच डाग है इस चीज़ का, और उसी वक्त आपका एक जो है बैन टेररिस्ट जो है वो एक जलसे से खताब कर रहा है, एंड यू आर इंसिस्टिंग दैट यू हैव डन इनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो ये डबल स्पीक से आप जब तक नहीं निकलेंगे उस वक्त तक ये इसी तरह जो है दिन आपको देखने पड़ेंगे। थैंक यू मिस बशानी। व्यूअर्स प्लीज टू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। थैंक यू। Vote for People's Party of Canada. Bring prosperity and freedom. We believe in unity in diversity. Take ownership of Canada for shared values and dreams. We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mississauga Malton riding for October 21st federal elections. Welcome back, viewers. Thank you, Mr. Bashani, for discussing the grey list and its aspects. So now I would like you to discuss a little bit about the Prime Minister's of Pakistan visit to Iran and Saudi Arabia. If you can please shed some light on this as well for us. Prime Minister of Pakistan ka jo is waqt dora hai wo Iran ka hua hai pehle aur uske baad Saudi Arabia ka ho raha hai is waqt as we speak. To iski background jo hai wo ye hai ki Iran aur सऊदी अरब के दरमियान जो टेंशन चल रही है एक बहुत बड़े अरसे से, उसमें इमरान ख़ान साहब ने जो है वो अपनी खिदमात पेश की हैं, यानी अपनी सर्विसेज ऑफ़र की हैं टू ब्रिंग देम ऑन द टेबल टू नेगोशिएट द सेटलमेंट। तो इस पे जो है वो बड़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे हलकों में जो इस इशू पे किसी न किसी तरह की कोई इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें इशू नंबर वन है कि ये जो इन्होंने ऑफ़र की है इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अब नेशनल पॉलिटिक्स को एक तरफ करके तो एक इंटरनेशनल लीडर बनने के जो है ख्वाहिशमंद हैं कि उन्होंने इतना बड़ी जो है वो अंडरटेकिंग ली है, और ये इतनी बड़ी अंडरटेकिंग वो लोग कहते हैं जिनका बहुत ही गहरा इस नॉलेज है और तजर्बा है सऊदी अरबिया वर्सेस ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो बाज़ लोग तो इसको ये कहते हैं कि ये तो जो इन्होंने अंडरटेकिंग ली है ये 1400 इयर्स ओल्ड बैटल ख़त्म करने की अंडरटेकिंग है, और ये कोई एक बैटल, एक तो बैटल्स की माँ है, तो बैटल्स जो हैं वो बैटल्स की हज़ारों जो वो है तादाद में जो लड़ी गई हैं अरबों और ईरानियों के दरमियान। तो इस पे जो है वो अरबी और अजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अजमी मीन्स ए पर्सन हु डजंट स्पीक अरबिक, जो अरबियों ने शुरू में इस्तेमाल किया था। तो ये कहते हैं कि ये दुश्मनी उस वक्त की है कि जब वो जो है ना इसको रेसिस्ट और ज़ीनोफोबिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अरब ये कहते थे कि ये अजम है, यानी ये अरबी नहीं बोल सकते, तो दे आर एलियन, इसका एक तर्जमा एलियन भी हो सकता है, गैर मुल्की भी हो सकता है, और जाहिल भी हो सकता है, मुख्तलिफ तर्जमे इसके। तो उस वक्त जो इनके दरमियान दुश्मनी थी वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की दुश्मनी है, उसके बाद ये दुश्मनी जो है इसके मुख्तलिफ शक्लें बदली, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके आए तो बाद में जो उनकी डायरेक्ट जो तसादम हुआ या जंगें हुई उसमें ज़ाहिर है रोमन अम्पायर तो अपनी जगह, लेकिन जो पर्शियन अम्पायर थी वो ज़ाहिर ईरानियों का सुल्तनत थी, उसके साथ भी उनकी जंगें हुई, तो उन जंगों की वजह से बहुत जो शिकस्त हुई, पर्शियन अम्पायर जो है वो अपने प्रोसेस में तहलील हुआ, जंग की वजह से ना हो लेकिन अपने प्रोसेस में, जैसा कि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि रोमन अम्पायर तहलील हुआ, पर्शियन अम्पायर तहलील हुआ, सोवियत यूनियन अपने बोझ तले दब के ख़त्म हुआ। तो ये एक हिस्ट्री का प्रोसेस था, ज़रूरी नहीं कि इसमें इस्लाम का या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या उन जंगों की वजह से ये हुआ हो, हिस्ट्री का एक अपना प्रोसेस भी है कि अर सुल्तनत अपने एक उरूज पे पहुंच के, तो व्हेन इट फेल्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द न्यू एरा तो ये जो है कलेप्स होनी शुरू हो जाती।
तो पर्शियन एम्पायर, लेकिन इसके बावजूद जो ईरानी हैं उनका ख्याल ये था कि इसके ज़िम्मेदार बहरहाल अरब हैं। उसके बाद उनके दरमियान मुसलसल जंगें जारी रही और उनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, कहीं तो जंगें हैं जो आमने सामने की जंगें हैं, लेकिन सैकड़ों जंगें हैं जिनको हम प्राक्सी वार कहते हैं। ओके, तो प्राक्सी वार से ज़ाहिर लोग जानते हैं कि मराद एक ऐसी जंग जिसमें फ़ौजें तो आमने सामने नहीं होती, लेकिन आपके जो सेकंड लाइन होती है, आपके जो हायर किए हुए लोग होते हैं, आपके जो ट्रेन किए हुए टेररिस्ट होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, वो ये लड़ाई लड़ते हैं। अभी इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो ये यमन वगैरह में जो कुछ हो रहा है, जो लेटेस्ट है, ये पीछे एक मिज़ाइल जो है वहाँ पे आयल रिफाइनरी पे फटा है, जिसको ये कहा गया कि ये ईरान की तरफ से या उसकी प्राक्सी की तरफ से फेंका गया। तो ये एक बहुत ही एक डेडली किस्म का झगड़ा है और बहुत ही पुराना झगड़ा है जो इन दो मुल्कों के दरमियान हो रहा है। उसमें जो है वो इमरान ख़ान साहब जाके तो उन्होंने बहुत बड़ी अंडरटेकिंग ले ली कि मैं उसको ठीक कराऊँगा, जिसके लिए एक लाइफ टाइम किस्म की डेडिकेशन और टाइम चाहिए। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जंग के दाने पे खड़े हैं, आई बाल टू आई बाल जी, और कोई एक छोटे से छोटा वाक्या जो है उनको एक खौफनाक किस्म की जंग की तरफ धकेल सकता है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बाबांगे दुल ऐलान किया कि इसका कोई हल नहीं है, इसका सिर्फ ये हल है कि अगर हमें पे मजबूर किया गया तो हम एटम बम यूज़ करेंगे। यानी अपने नेबर के साथ देयर इज़ नो सोल्यूशन, और हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, जो उसके मिनिस्टर वहाँ पे बार बार कह रहे हैं, लेकिन नो वन इज़ सेइंग दैट देयर इज़ वन वे विच इज़ ए वे टू पीस, कि हम नेगोशिएट करें, बैठ के बात करें, और हम जो है वो बैठ के बात करने के लिए जो दोनों तरफ से शरायत हैं वो मानने के लिए तैयार हैं, ताकि हम ये डेड लॉक जो है इसको तोड़ें, जो कि उनका फौरी तौर पे बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो 1 अरब 20 करोड़ इंडियंस का और 20 करोड़ पाकिस्तानी का एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का और मौत का मसला भी है, कि आप इस तरह की टेंशन क्रिएट करके और लोगों को हालते जंग में रख के, जहाँ लोग समझते हैं कि वी आर एट वार विद अवर नेबर, और सरहदों पे इस तरह की लाइव किस्म की टेंशन, जहाँ बेशतर लोग रातें जो हैं वो बैंकर्स में गुजारते हैं, और बैंकर्स में क्या हो रहा है दिस इज़ अनदर स्टोरी, जो अभी अभी जो है वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट बल्कि रेप के रिपोर्टिंग हुई है। आई वाज सरप्राइज टू सी दैट कि ये सरहदी जो सीज़ फायर लाइन है कश्मीर की, उसके इर्द गिर्द जो बैंकर्स हैं वहाँ जाके, तो ये जब टेंशन हाई होती है तो लोग जाके उन बैंकरों में पना लेते हैं, और वो बैंकर्स हैं लाइक 20x7 के तारीख कमरे, तारीख इसलिए कि उसमें ज़ाहिर रोशनी का कोई इंतज़ाम है नहीं, और दूसरा रोशनी वो इसलिए भी वहाँ नहीं करते कि इसकी वजह से फायरिंग टारगेट जो है ये बनता है। तो वहाँ औरतें बच्चे बूढ़े वो जाके, तो कई दफ़ा जब टेंशन ज़्यादा होती है, अभी जैसे रिसेंटली हुआ, तो वो जाके रात वहाँ पे गुजारते हैं, और वो ख्वातीन जो है उनके इंटरव्यू किए गए बीबीसी पे अगर आप देखें, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल टचिंग, रेप और इस तरह के वाक़ियात होते हैं जिनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, चूँकि वो बैंकर्स में लोग जो है वो इस तरीके से गुस्से होते हैं कि उनका एक दूसरे के दरमियान फ़ैसला रखना जो है उसका कोई तरीका ही नहीं। सो दिस इज़ ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दिस इज़ ए कैटास्ट्रोफिक थिंग फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, फॉर द वीमेन, फॉर चिल्ड्रन और पुअर पीपल जिनके कोई रिसोर्सेज नहीं है। जिस बंदे के पास 10,000 रुपया भी है वो अपने बच्चों को इस तरह की सिचुएशन में क्यों डालेगा जी? कि वो वहाँ रहने पे मजबूर हो। धरती के साथ रिश्ता एक दूसरी चीज़ होती है, एफिलिएशंस टू बी सन ऑफ सॉइल, बट टू पुट योर फैमिली इनटू बैंकर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्राम दी फायरिंग एंड थिंग्स लाइक दिस, वो जो है वही बंदा करेगा ना जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं इस कायनात में जी। उसके बाद जो है वो पहले से जो है वो 1,75,00,000 कश्मीरी गुज़श्ता 70 साल से पीट रहे हैं कि भाई ये जो हम तकसीम हैं ह्यूमैनिटेरियन अपील पे, ह्यूमैनिस्टिक बेसिस पे, हमारे दरमियान को रास्ते को तरीके खोले जाएं, इन सब चीज़ों पे उन्होंने एक रेड क्रॉस लगा के कि नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन, ऑल वी डू वी हैव ए बम एंड इफ़ इंडिया विल डू समथिंग वी विल थ्रो दैट बम देयर। तो हम जा रहे हैं ईरान और सऊदी अरब का समझौता कराने। अब देखें ईरान इतनी पुरानी तहजीब है, 5,000 साल पुरानी, जैसा कि मैंने कहा पर्शियन एम्पायर जो है दैट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट
उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जी। उनके पास ये अमन और जंग के हवाले से एक पूरा लिटरेचर है, उनकी एक पूरी तहजीब है, तो उनको हमसे सीखने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक रहा सवाल सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब जो है वो वही करेगा जो उसको अमेरिका बताएगा। तो क्या अमेरिका उसको इस वक्त किसी इस तरह की जो है वो स्ट्रेटेजिक मूव बताएगा कि वो जाके इस मौके पे ईरान के साथ कोई कम्प्रोमाइज़ करे? तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे का ज़िया है, और एक पर्सनल लीडरशिप और प्रोजेक्शन का एक मूव है जिसका कि डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम जो है हिस्ट्री का, वो हाथ से निकलता जा रहा है। अब जो ये सिचुएशन थी, इसमें लोग ये तवक्को रखते थे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर जो है ही विल टेक सम ड्रास्टिक एक्शन टूवर्ड पीस, चूँकि उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि जी मैं तो कश्मीरियों का एम्बेसडर हूँ, एंड आफ्टर दैट नथिंग हैपेंड। एक तकरीर हो गई, उस तकरीर पे आज तक जो है वहाँ पे जश्न बरपा है, उस तकरीर की बुनियाद पे आज तक वहाँ ऐसे शो किया जा रहा है जैसे कश्मीर हमने ले लिया है, जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो एज इट इज़ है जी। तो इस हवाले से मैं कहना ये चाहता था कि ये जो है एक कम्प्लिकेटेड इशूज़ दुनिया के जो हैं वो हल करने का मेरे ख्याल में ठेका जिन लोगों ने लिया हुआ है, या दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, खुशहाल ममालिक हैं, वो अगर इस तरह का मूव लेते हैं तो इनका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने मसले हल किए होते हैं। दे आर एट पीस विद देयर पीपल एंड दे आर एट पीस विद देयर नेबर्स, जबकि आपकी सिचुएशन ये है कि यू आर नॉट इवन एट पीस विद योर ओन पीपल। आपके दारुल हुकूमत की तरफ मार्चें हो रही हैं, अभी एक बहुत बड़ी मार्च जो है वहाँ पे तैयार हो रही है, जो ये कह रहे हैं कि हम दारुल सिटी ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल सिटी को जो है टेक ओवर कर देंगे। यू आर सेइंग नथिंग अगेंस्ट दैट एंड बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू कि यही लोग जो आप लोगों ने फंडिंग कर करके पाले थे मौलाना हजरात, अब उनके मसल इतने बड़े बन गए कि वो अपनी जगह पर समाते नहीं। सो दे वॉन्ट टू शो दोज मसल्स एंड नाउ यू आर गोइंग टू डू व्हाट? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, टॉर्चर, misuse of security forces, things like that to stop them. तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से you are not at peace with your own people and you are obviously not at peace with your neighbors, but you want to create peace in the Middle East. मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सुतम ज़रीफ़ी की बात है। थैंक यू मिस बशानी। व्यूअर्स प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back viewers. Ms. Bashani, we were still discussing the Iran and Saudi Arabia tensions. हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था कि ये टेंशन देखें उस खित्ते में जो है, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेरिटोरी। तो उसमें हमें कोई बड़ी इस तरीके की अपनी सलाहियतों का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के मसाइल जो हैं वहाँ के लोग हल करने की सलाहियत रखते हैं, फाइनेंशली भी, पोलिटिकली भी। और जैसा कि मैंने कहा, ईरान इज़ ए मैच्योर कंट्री बोथ पोलिटिकली एज वेल एज फाइनेंशली। तो सऊदी अरब की तो ये हालत है कि वो तो किराए की फ़ौज रखने की पोजीशन में है। इन्होंने फ़ौज बनाई है जिसमें 30 मुल्कों के लोग हैं, सो दे थिंक दे कैन बाई इवन सोल्जर्स। तो उनके लिए ये कौन सा प्रॉब्लम है कि हम जाके उसका समझौता कराएं? देखें, वहाँ पे कुछ ऐसी और चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाली चीज़ें, उस पर पाकिस्तानी जो फॉरेन अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो म्यूट हो जाता है। मसलन ये जो अभी तुर्की ने किया कि वहाँ पे कुर्द इलाका जो है उस पर उन्होंने हमला कर दिया, तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टोटली दे आर एक्टिंग एज इफ दिस थिंग नेवर हैपेंड और इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। उसकी वजह ये है कि कुर्द जो हैं वो बुनियादी तौर पे जो है वो मज़लूम लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती तकसीम किया गया, उनको जो है वो सीरियन कुर्द और तुर्किश कुर्द और ईरानियन कुर्द और इराकी कुर्द, इन चार हिस्सों में जो है वो एक ट्रीटी के 1920s में जो है
वो तकसीम कर दिया गया 1920 से लेके, तो वो अपने हुकूक का कभी कहीं जाके जो है वो मुतालबा करते हैं, कभी किसी सड़क पे जुलूस निकालते हैं, कभी कहीं भूख हड़ताल करते हैं, कभी कहीं हथियार उठाते हैं। लेकिन ये देखें, इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका वास्ता चारों का जो है वो अपने ही इस्लामी मुल्कों से है। बाय द वे, ऑडियंस की में से कुछ की मेरे ख्याल में जो है इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये कुर्द जो है इनकी अक्सरियत मुसलमान है। okay. और वो भी मुसलमान जो मेन स्ट्रीम ये जो शिया सुन्नी मुसलमान होते हैं। ठीक। और इन चारों ग्रुप जो जिन हिस्सों में ये तकसीम है, सब का वास्ता जो है वो अपने ही ज़ाहिर मुसलमान स्टेटों से है। सीरिया भी है, तुर्की भी है, ईरान भी, इराक, सब स्टेट, सब ने बांड भारत के उन पर कब्ज़ा किया हुआ है। एक माहिदा करके 1923 में लोजान में एक माहिदा हुआ था, इन द सिटी ऑफ लोजान इन स्विट्ज़रलैंड, जिसमें इन्होंने कहा कि ये ऐसा इसको पहुँचा, ये उसको पहुँचा, ये उसको पहुँचा, और तब से सारे मिलके और अलग अलग जो है वो कुर्दों को मार रहे हैं। उसमें कुर्दों ने लंबी जदोजहद की, जिसमें डेमोक्रेटिक से लेके पीसफुल से लेके वायलेंस तक भी गए। लेकिन ये सारा जो है इनका रवैया बाहर जाके, ये जी कभी कहते हैं हम कश्मीर की हमायत करते हैं, तुर्की ने ऐलान कर दिया कि जी हम कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को मानते हैं, तो व्हाट अबाउट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ कुर्दिस्तान, जो कि गुज़श्ता 50 साल से वहाँ पे मार खा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे शहीद कर दिए गए, उनकी ज़बान पे पाबंदी है, उनके कल्चर पे पाबंदी है, उनके लिबास पे पाबंदी है, उनको जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट जो हैं वो करने की भी इजाज़त नहीं है, तो यू आर ओके विद दैट, पाकिस्तान शुड नॉट से एनीथिंग और एनीबॉडी एल्स शुड नॉट से एनीथिंग, तो आप यहाँ से जाके तो इंडियन सब कॉन्टीनेंट के एक इलाके में पहुँच के तो वहाँ का एक छोटे से खित्ते को आज़ाद कराने की भी आपको बहुत बड़ी दिलचस्पी है। ये जो है ना, दीज आर दी फ्लॉप और फेलियर किस्म की पॉलिसियाँ हैं जो मैं कहता हूँ कि जो इस्लामिक दुनिया के हुक्मरान हैं दे आर हाईली इनकम्पिटेंट एंड हाईली डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इन देयर प्रैक्टिसेस। तो ये इसे अगर मतलब है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो, कहीं जाके अपने खित्ते से बाहर से निकलने की हो, तो उसमें फिर जाहिर है कि ये चीज़ें जो हैं ये सबसे जो पुराने मसले हैं सबसे पहले हल होने चाहिए। तो अब मैं आता हूँ आप जो आपका लास्ट जो है जो लास्ट पार्ट था वो था कि जो प्रोटेस्ट और मार्च हो रहा है विच विल बी हैपनिंग ऑन 21st October इन द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर, आप इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। पहली बात है वहाँ बहुत सारे मार्च हो रहे हैं, दिस इज़ ए सीज़न ऑफ मार्चेस। ओके। एक मार्च जिसकी मैंने पहले जिक्र किया, वो एक पाकिस्तान की इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मार्च है विच इज़ गोइंग टूवर्ड द कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद अगेंस्ट इमरान खान एंड हिज पॉलिसीज़, एंड दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू गो देयर एंड टॉपल डाउन द गवर्नमेंट। दैट्स वन मार्च, दैट इज़ अ इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। ये मार्च जो 21 अक्टूबर को हो रहा है, ये आज़ाद कश्मीर की जो है वो कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, एक अलायंस है जिसको पीपल्स नेशनल अलायंस कहा जाता है, ये वो कर रहा है। okay. और मैं ये समझता हूँ कि इट्स वेरी हिस्टोरिकल, बिकॉज इट्स वेरी रेयर टाइम्स इन हिस्ट्री कि जब आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो एक बाकायदा एक अपने डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स के लिए और अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए जो कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर है उसकी तरफ मार्च करें। ये बात करना कोई नई बात नहीं है, दीज पीपल दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स टॉकिंग अबाउट पीपल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन इतने मुनाज़म तरीके से इतनी वसी हमायत के साथ जो डायरेक्ट टारगेट करना कैपिटल सिटी को और वहाँ जाके ये मुतालबा करना कि जी आप हमें पहले जो है हमारे राइट रिस्टोर करें इससे पहले कि आप बाकी रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करें। तो ये जो नया एक वहाँ पे ट्रेंड आ रहा है, न्यू आइडियोलॉजी जो डेवलप हो रही है आज़ाद कश्मीर में, वो ये है कि अगर आपने मसलाए कश्मीर से जान छुड़ानी है या मसलाए कश्मीर हल करना है या कश्मीरियों के किसी और ग्रुप की मदद करनी है तो पहले अपने आप को आज़ाद कराएँ आज़ाद कश्मीर के अंदर। दिस इज़ ए न्यूएस्ट नैरेटिव ऑन पब्लिक फोरम, पहले ये नैरेटिव मौजूद रहा है, हमेशा से रहा है, लेकिन ये एक लिमिटेड फोरम पे था। अब ये वहाँ से निकल के एक नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, तो अब लोगों में ये शौर पैदा हो गया कि ये जो खित्ता जिसमें बैठ के हम पूरी दुनिया को आज़ाद कराने के दावे करते हैं, क्या ये खुद आज़ाद है?
अगर ये खुद आज़ाद है तो व्हाट इज़ अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। लिहाजा ये जो मार्चर हैं 21 अक्टूबर को, इनका पहला बड़ा मुतालबा ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद फुल पावर्स रिस्टोर की जाए, जो यहाँ के अवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो लिखे, उस पर काम करे, वो बनाए, ताकि हम पता चले कि हमें अपनी कानून साजी जो है टू मेक लॉज अबाउट आवर सेल्फ हमारा अपना इख्तियार है। फिर ये है कि उनके साथ साथ जो वहाँ के डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू वोट है, फ्रीडम टू बी वोटेड है, इस तरह की चीज़ें जो फंडामेंटल हैं, वेरी वेरी कोर इश्यूज़, जो कि किसी भी सोसाइटी को सबसे पहले उठाना चाहिए। चूँकि ये वो हवाई जहाज़ वाली बात हुई ना कि हवाई जहाज़ में अब आप जाते हैं तो यार होस्टो साहब को बताती है कि अगर जहाज़ में गिरना शुरू हो जाए तो मास्क सबसे पहले खुद पहनो, फिर बच्चे को पहनाओ, ऐसा ना हो कि बच्चे को पहनाते रहो। तो यही बात है कि हम मास्क जो है ना वो दूसरों को पहनाते रहे हैं 70 साल से, और ख़ुद हमने देखा तो हमारा तो मास्क ही नहीं है। अब इन दिस सिचुएशन वी नीड टू वेयर दैट मास्क फर्स्ट जी। देयर फोर आई अप्रिशिएट पीपल लाइक दिस, जो कि पीसफुली एंड आई रिपीट पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस आस्किंग फॉर देयर फंडामेंटल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स विद इन आज़ाद कश्मीर। तो इसी पे ख़त्म करते हैं। परफेक्ट, थैंक यू मिस्टर बशानी, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।